हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 10 कर रहे हैं। ये 19 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क के द्वारा जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले वर्कशीट में हमने सूक्ष्म जीव से हमें होने वाली हानियां और सूक्ष्म जीव से हमें मिलने वाले लाभ के बारे में पढ़ा था। आज हम सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी। सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस, ये हमें बीमारी से ग्रस्त कर सकते हैं। प्रोटोजोआ हमें मलेरिया कर सकता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के डंक में एक प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण वह हमारे रक्त में चला जाता है और हमें मलेरिया करता है। जीवाणु, क्षय रोग, हैजा और आंत्रज्वर, ये सभी जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। वायरस, वायरस को विषाणु भी बोलते हैं। पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, चेचक, ये सभी रोग वायरस द्वारा होते हैं। बीमारियों से बचाव के उपाय। अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। यहाँ पर कुछ बीमारियों से बचने के उपाय दिए हुए हैं। अगर हम साफ सफाई रखेंगे और खुले में शौच नहीं करेंगे तो जीवाणु पनप नहीं पाएंगे। अगर खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, बाद में हाथ धोएंगे, तो सूक्ष्म जीव हमारे हाथों से साफ हो जाएंगे। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना करने से मलेरिया के मच्छर वहां पर पनप नहीं पाएंगे। और बच्चों को समय पर टीका लगवाने से बच्चों की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त कर सकेंगे। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखने से सूक्ष्म जीव खांसने के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव तथा मवेशी रोग है। मवेशी का मतलब होता है जंतु, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो एक जीवाणु से होता है, जिसका नाम बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। अब स्वयं को जांचिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दही का जमना लैक्टोबैसिलस, मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ, जीवाणु हैजा का कारक होता है और वायरस चेचक का कारक बनता है। प्रश्न दो, मलेरिया से बचने की कोई दो तरीके बताइए। पानी को आसपास इकट्ठा ना होने दें और मच्छरदानी लगाकर सोएं। मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली तीन बीमारियों के नाम बताएं। बैक्टीरिया जीवाणु को बोलते हैं, तो हम क्षय रोग, हैजा और आंत्रज्वर, ये तीनों बीमारियों के नाम लिखेंगे। इसी तरह विषाणु यानी वायरस, पोलिया, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक, ये सभी बीमारियां करता है। या एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है। इस महामारी के सूक्ष्म जीव का नाम कोरोना वायरस है। खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखें, मुंह पर मास्क लगाएं और यदि बुखार हो तो घर से बाहर ना निकलें। लोगों से दूरी बनाकर रखें। प्रश्न पांच, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों रोग है। एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो मानव और मवेशी दोनों में हो सकता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।